ग्लोबल स्टार के इस वीडियो में आज हम आइस बॉक्सेस के बारे में बात करेंगे, जो कि मेनली आइसक्रीम के मूवमेंट में काम आता है। 4 लीटर और 5 लीटर की जो गैलन साइज होती है, उनको इसमें डालकर किसी शादी पार्टी में आइसक्रीम को भेजने के लिए काम आता है। सबसे छोटा बॉक्स है जो आराम से 2-व्हीलर के ऊपर लगाया जा सकता है, 50 लीटर का बॉक्स होता है। इसमें 4 लीटर के 10 गैलन आ जाएंगे और 5 लीटर के 6 गैलन आ जाएंगे। इसकी थिकनेस 15 mm होती है और अंदर से देखने पे ये काफ़ी मजबूत आपको दिख ही रहा है। इसमें आइसक्रीम 4 से 6 घंटे तक अपन रख सकते हैं। दूसरा आइस बॉक्स है 60 लीटर का बॉक्स, 22x16x16 इंच का होता है। 16 इंच इसकी ऊंचाई है, 16 इंच इसकी चौड़ाई है और 22 इंच इसकी लंबाई है। इसमें 4 लीटर के 11 गैलन आ जाते हैं, 5 लीटर के 8 गैलन आ जाते हैं। इनमें वैसे तो 4 से 6 घंटे रख सकते हैं आइसक्रीम। यदि आपको टेम्परेचर ज़्यादा देर तक मेंटेन करना हो तो ऐसे चिल पैड लगाए जा सकते हैं। इनको पहले डीप फ्रीज़र में या कोल्ड रूम में फ्रीज करना पड़ता है, फिर आप इसके अंदर लगाने से जो आइसक्रीम 4 से 6 घंटे रखी जाती है आइस बॉक्सेस में, उनका हम 2-3 घंटे और तापमान मेंटेन कर सकते हैं। ये 100 लीटर का एक बॉक्स है, 100 लीटर का बॉक्स 31 इंच लंबाई, 22 इंच की चौड़ाई और 18 इंच की ऊंचाई है। इसमें 4 लीटर के 18 गैलन और 5 लीटर के 15 गैलन आ जाते हैं। काफ़ी मजबूत बॉक्स है, इसके अंदर हमने कोई हिंज नहीं दिया हुआ है, छोटा बॉक्स है। 50 और 60 लीटर का बॉक्स जो पहले दिखाए थे वो आप आराम से 2-व्हीलर पे रख सकते हैं। बाकी के ये जो 50 के बाद के जो सीरीज है, 100 लीटर, 150 लीटर, ये 4-व्हीलर या 3-व्हीलर पे ले जाए जा सकते हैं। ये 150 लीटर का आइस बॉक्स है, 150 लीटर का। इसमें 30 गैलन आ जाते हैं 4 लीटर के और 25 गैलन आ जाते हैं 5 लीटर के। 34 इंच की लंबाई, 24 इंच की चौड़ाई, 21 इंच की ऊंचाई है इसकी। कंफर्टेबली आराम से आदमी उठा सकता है इसको, 2 आदमी उठा के रख सकते हैं। उसके बाद अंदर से भी दिखा देते हैं इसको, 48 mm की इसकी मोटाई है। आराम से इसमें कूलिंग रहती है 4 से 6 घंटे की। वही यदि आपको तापमान मेंटेन करना है तो चिल पैड लगाइए। फिर अगला बॉक्स हम दिखा रहे हैं 220 लीटर का। 220 लीटर का बॉक्स काफ़ी यूजफुल होता है, जहां 500-600 लोगों की कोई पार्टी है, आराम से इसमें 48 पीस आ जाते हैं 4 लीटर के गैलन, और 38 पीस, 38 पीस 5 लीटर के आ जाते हैं गैलन के। ये 5 लीटर का गैलन पैक है। इसकी भी मोटाई हमारे अच्छी है, अंदर से भी हम दिखाएंगे। 48 mm की इसकी मोटाई है, इससे कूलिंग मेंटेन रहती है अच्छी, और 4 से 6 घंटे और बाद में आप चिल पैड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 310 लीटर का बॉक्स है। 310 लीटर का बॉक्स में नीचे हैंड पैलेट ट्रक से उठाने की भी सुविधा होती है इसके अंदर। हैंड पैलेट ट्रक से उठाने से आसानी बनी रहती है। ये करीब 3 फिट बाई 2.5 बाई 2.5 का ये बॉक्स है। मजबूत हैंडल होता है इसके, इस रबड़ की वजह से ये लिड को हम बांध देते हैं। 4 लीटर के 56 गैलन आ जाएंगे और 5 लीटर के 45 गैलन। ये अप्रोक्सीमेशन है, आप इसमें हो सकता है कि 1-2 पीस का कम ज़्यादा गैलन आ जाए, कितना आपका टाइट माल है या कितना लूज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक 340 लीटर का बॉक्स है। 340 लीटर के बॉक्स की करीब करीब जो डायमेंशन है वो 40 इंच की लंबाई, 28 इंच की चौड़ाई और 30 इंच की ऊंचाई है। इसमें 72 गैलन आ रहे हैं 4 लीटर के और 5 लीटर के करीब करीब 63 गैलन, 63 गैलन आ जाते हैं। और इनको भी अंदर से हम दिखाएंगे। ये देखिए, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से आप जमा सकते हैं इसके अंदर गैलन्स। ये 5 लीटर के गैलन हैं, काफ़ी जगह भी बच रही है। हमने एक लेयर लगा के दिखाई है इसमें। ढक्कन इसका इजीली बंद कर देते हैं, उसी तरीके से रबर की जो ये क्लैंपिंग है उसके थ्रू बंद हो जाता है। इसको ऐसा बंद कर सकते हैं, एक आपको बंद करके दिखाएंगे अभी। ये
खींचा आपने कंफर्टेबली, आप इसको टाइट कर लीजिए। ये बॉक्सेस काफी इंडस्ट्री में यूज होता है, हर आइसक्रीम इंडस्ट्री के लोग इन शिपर्स से वाकिफ हैं और हर गली हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ये आपको शिपर्स मिल जाते हैं। 50 और 60 लीटर के टू व्हीलर्स पे इजीली ले जाए जा सकते हैं, 100-150 वाले या उसके बड़े बॉक्सेस फोर व्हीलर थ्री व्हीलर्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। 220 लीटर का जो आइस बॉक्स है या 330 340, ये 8 बॉक्स एक टाटा एस में इजीली आ जाते हैं, कंफर्टेबली हम रख सकते हैं इनको। आपको कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका नाम और जगह का नाम जरूर लिखिए ताकि हम रिप्लाई करने में आसानी हो, और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी भेजना जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा।